नमस्कार सभी को, मैं प्रशांत शर्मा लव भारती स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने प्रत्ययभाव प्रकरण को जो है पढ़ा था, आज की कक्षा में हम वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं, वाच्य परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी आज हम करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए वाच्य परिवर्तन हमारा टॉपिक क्या है, वाच्य परिवर्तन, ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, अभिव्यक्ति या कथन, अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वाच्य कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कि इसके कितने प्रकार होते हैं वाच्य के, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। वाच्य कितने तरह के होते हैं दोस्तों, तीन तरह के होते हैं। अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखिए, पहला कौन सा है हमारा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य तो कर्तवाच्य क्या होता है, इस वाक्य में कर्ता जो है वो प्रधान होता है। इस वाक्य में क्या होता है दोस्तों, कर्ता जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इसके बाद में तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में क्या, कर्तवाच्य में क्या कह रहा है कि इसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में कौन सी विभक्ति दोस्तों, प्रथमा विभक्ति, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहे हैं कि कर्तवाच्य जो है उसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखिए, जैसे रामः गृहं गच्छति, ठीक है, राम कहाँ के लिए जा रहा है, घर के लिए जा रहा है, ठीक है ना। तो रामः कौन सी है, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। इसमें कर्म में क्या है, कहाँ जा रहा है, गृह, घर जा रहा है, तो इसमें कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है ना दोस्तों। जैसे इस वाक्य में राम क्या है, कर्ता है, और गृहम क्या है, कर्म है, तो इसकी क्रिया में गच्छति क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी। गच्छति जो क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी, क्योंकि राम क्या है, राम एक वचन है, राम राम रामा, ठीक है, तो राम क्या है, एक वचन, ठीक है। और कर्म जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता को, कर्ता जो राम है उसके अनुसार इसको क्या कर रहा है, एक वचन की है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ की हमारे को यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, कर्ता होगा, द्वितीय विभक्ति में कर्म होगा, और उसके बाद में क्रिया क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने बता दिया, तो इसने जो उदाहरण दिया है कि राम ग्रहम गच्छति, तो राम इसमें कर्ता हो गया, ग्रहम कर्म हो गया, और इसकी क्रिया गच्छति जो है वो कर्ता के अनुसार हमने एक वचन की है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बालिका पाठम पठितवती, ठीक है, बालिका पाठम पठितवती, तो इसमें क्या हो गया, इस वाक्य में क्या है, बालिका जो है वो क्या है, कर्ता है। यहां पर क्या था, राम जो है क्या था, कर्ता था, ठीक है। तो बालिका क्या है, कर्ता है, तथा पाठन क्या है, कर्म है, पढ़ रही है वो, पाठ को पढ़ रही है, ठीक है। तो कर्म कर रही ना, पाठम कर्म, तो कर्म क्या हो गया, पाठम हो गया, तृतीय होगी, ठीक है। इसके बाद में पठितवती, पठितवती क्रिया है,
ठीक है ना दोस्तों। जैसे बालिका क्या होगी, कर्ता होगी, पाठम क्या हो गया, कर्म हो गया, और पठितपति क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे राम में क्या था, राम क्या था, कर्ता था, गृहम क्या थी, क्रिया थी, उनको कर्म था, और युति क्या थी, जाना क्या है, क्रिया हो गई, है ना। इसमें पढ़ना क्या है, क्रिया होगी, क्या पढ़ रही है, पाठ पढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सैनिक देशम रक्षति, सैनिक क्या करता है, देश की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में सैनिक क्या हो गया, कर्ता हो गया, सैनिक कर्ता ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद में देशम कर्म हो गया, ठीक है, और रक्षति क्या होगी, क्रिया होगी, यानी कि हमें इस कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रधान होता है हमारा, और कर्ता क्रिया के अनुसार जो है, क्रिया कर्ता के अनुसार जो है वो प्रयुक्त हो जाती है, ठीक है। और कर्ता क्या होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। तो सैनिक क्या हो गया, कर्ता हो गया, देशम क्या हो गया, कर्म हो गया, और रक्षति क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या कहेंगे दोस्तों, कर्मवाच्य जो है उसमें क्या कहेंगे, देखिए कर्मवाच्य में क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता हो रही है, कर्तवाच्य में क्या हो रहा है, कर्ता की प्रधानता हो रही है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या होगी, कर्म की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कर्म में क्या होगी, प्रथमा होगी, वहां क्या थी, कर्ता में प्रथमा थी, ठीक है। कर्तवाच्य में क्या थी, कर्ता में प्रथमा थी, और कर्मवाच्य में क्या है, कर्म में प्रथमा है, तथा कर्ता में कौन सी है, तृतीय विभक्ति, कर्ता में कौन सी है दोस्तों, तृतीय विभक्ति, ठीक है ना, है ना, का प्रयोग किया जाता है, यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, वहां पर क्या था, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा था, कर्तवाच्य में, कर्ता के अनुसार, और यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंट पता लग गया, वहां पर सारा कुछ जो है वो कर्ता के अनुसार होगा, कर्मवाच्य में जो है कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि जिस लिंग या वचन में जो है, लिंग पुरुष तथा वचन में क्या होता है, कर्म का प्रयोग होगा, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्या होगा, क्रिया का प्रयोग यहां पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो गया यहां तक। इसके बाद में देखिए, रामेण गृहम गम्यते, ठीक है। तो राम क्या कर रहा है, घर के लिए जा रहा है, विद्यार्थी ना पाठम पठ्यते, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं, मया चित्र दृश्यते, है ना, और क्या कर रहे हैं यहां पर, चित्रों को देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो है, इस कर्म वाच्य में हमें कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। रामेण कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, तृतीय विभक्ति, विद्यार्थी ना, ठीक है ना, इसमें कौन कर्ता में कौन सी विभक्ति हो रही है, तृतीय, और पाठ ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, ग्रह ग्रहम कौन सी है, प्रथमा, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी हम देखते हैं, देखिए देखो इसमें क्या कह रहा है कि इन वाक्यों में क्रमशः ग्रहण पाठन तथा चित्र क्या है, कर्म है, मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद में अथा प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार, क्रिया भी एक वचन में, तथा तीसरे में चित्रे में जो है द्विवचन के कारण क्रिया भी क्या हो रही है, द्विवचन हो रही है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या था, मया चित्र दृश्यते, तो कर्म क्या था, कर्म जो था वो क्या था, तीसरे में चित्र के द्विवचन के कारण क्रिया भी क्या हो रही थी, द्विवचन हो रही थी, ठीक है। और इसमें क्या था, विद्यार्थी ना पाठ पठ्यते, ठीक है ना,
तो इसमें क्या था, कारण कौन सा था, एकवचन, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्रिया भी उसी प्रकार हमने प्रयुक्त की है। आगे देखिए, जैसे तीसरा कौन सा है दोस्तों हमारा, भाववाच्य। तीसरा कौन सा है, भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या कह रहा है, भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात में क्या है कि इसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रदान होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रदान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रदान होता है, और भाववाच्य के भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रदान होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें भाववाच्य में क्या प्रदान होगा, भाव प्रदान हो जाएगा। क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया जो है वो प्रयुक्त होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, ठीक है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होगी, चाहे कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारे भाववाच्य में कह रहे हैं। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, देखो, मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम, ठीक है, अस्माभि ते शुक्यते आश्यते, ठीक है। वाच्य परतम के नियम क्या है, वाच्य परतम के नियम क्या है कि कर्त में वर्तमान काल की क्रियाएं को यदि कर्म वाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि कर्तवाच्य में वर्तमान काल की जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं को यदि कर्म वाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार ही परिवर्तन होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और भाववाच्य में भाव भी प्रदान होता है, क्रिया एक प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें, उदाहरणों में क्या कह रहे हैं कि कर्तवाच्य, कर्तवाच्य की क्रिया को देखो है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया को देखो। जैसे पठती, पठती तो इसमें क्या हो जाए, कर्मवाच्य में पठ्यते, ठीक है, लिखती तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, लिखते, ठीक है, कर्तवाच्य में खादती तो खादते है, भवती तो भूवते, ठीक है ना दोस्तों, और धावती तो धाव्यते, और हसती तो हस्यते, और करोती तो क्रियते, है ना, और इसके बाद में क्रीणाती तो क्रियते, ठीक है ना, करोती का क्रियते और क्रीणाति का क्रियते, ठीक है, नयति का नियते हो जाएगा कर्म में, ठीक है ना, और गच्छति जो है कर्तवाच्य में गच्छति का क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा, ठीक है ना, और उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति का क्या हो जाएगा, उत्पत्यते, ठीक है ना, यानी कि कर्म वाच्य में क्या हो जाएगा, उत्पत्ति का उत्पत्यते और रोदति का रुद्धते हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है, जो हमने उदाहरण जो है वो कर्तवाच्य की क्रिया, भाववाचक और कर्मवाच्य की क्रिया को देख लिया कि क्या क्रिया होगी, कर्तवाच्य में क्या होगी, पठती, लिखती, खादती, भवती, धावती, हसती, करोती, क्रीणाती, नयती, गच्छति, उत्पत्ति और रोदति, ठीक है। उसके बाद कर्मवाच्य भाववाच्य क्या होगी, पठ्यते, लिखते, खाद्यते, भूयते, और इसके बाद में धावते और हस्यते, क्रियते, है ना, और उसके बाद में नियते, है ना,
और गम देते और उसके बाद में उत्पत्ति, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया रूप देते, ठीक है दोस्तों। ये हमारी दोनों की क्या हो गई क्रिया हो गई। आगे और भी अपन देखते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों के भूतकाल की क्रियाओं में कर्तवाच्य में जहां इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो क्या कह रहा है भूतकाल की क्रियाओं में कर्तवाच्य में जहां क्या होता है इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए और क्या होती है इसमें, वहां कर्मवाच्य में इत, और कर्मवाच्य में क्या होता है दोस्तों इत प्रत्यय का प्रयोग होता है, कर्तवाच्य में कौन सा होता है इक्तवतु का, और कर्मवाच्य में क्या होता है इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए साथ साथ ही कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए सफलानि खादित्वा, ठीक है, इसमें क्या है कौन सा वाच्य है इसमें सफलानि खादित्वा में कर्तवाच्य, ठीक है, तेन फलानि खादितानि, ठीक है, तो इसमें कौन सा है कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है इक्तवत् प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है और इसमें इक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अहम ग्रंथान पठितवान, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, कर्ता है ना, इसमें कर्ता जो कर्तवाच्य में क्या होता है कर्ता प्रधान होता है, ठीक है ना, तो ग्रंथान पठितवान, ठीक है। इसके बाद में मया ग्रंथा पठित्वा, तो इसमें क्या हो गया कर्म प्रधान हो गया कर्मवाच्य में, तो माया ग्रंथा पठित्वा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए वयम गुरु पूजितवन्तः, तो कर्तवाच्य हो गया, ठीक है ना, अस्माभिः गुरु पूजितः, तो इसमें क्या हो गया दोस्तों इसमें हमारा कर्तवाच्य हो गया, यानी ये हमारे कर्तवाच्य और कर्मवाच्य के जो है वो उदाहरण को दे बताया है कि जहां पर कर्ता प्रधान हो और इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता हो वहां पर क्या हो रहा है कर्मवाच्य हो रहा है कर्ता कर्तवाच्य हो रहा है, और जहां पर कर्मवाच्य में इक्त कर्म प्रधान हो और इक्त प्रत्यय का प्रयोग होता हो वहां कर्मवाच्य हो रहा है और उसके बाद में कर्ता जो है उसमें क्या होगी साथ साथ में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमने जो है वो वाच्य परिवर्तन का जो है वो प्रकरण जो है वो पढ़ा के वाच्य तीन प्रकार के पढ़ लिए, कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, कर्ता प्रधान हो कर्तवाच्य, कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, ठीक है, और भाव जिसमें प्रधान हो उसे हम भाववाच्य कह देते हैं, ठीक है। ये हमने भूतकाल की क्रियाओं में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है इक्त में इक्तवतु का, कर्तवाच्य में कर्मवाच्य में इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफलानि खादित्वान, ठीक है ना, सफलानि खादित्वान तो कर्तवाच्य हो गया, ते फलानि खादितानि तो कर्मवाच्य हो गया, और अहम ग्रंथान पठितवान तो कौन सा हो गया कर्तवाच्य हमारा बन गया है, मया ग्रंथा पठित्वा कर तो इसमें कौन सा बन गया दोस्तों हमारा कर्मवाच्य बन गया, है ना, वयम गुरु पूजितवन्तः तो इसमें हमारा क्या बन गया कर्तवाच्य बन गया, और कर्मवाच्य में क्या होगा अस्माभिः गुरु पूजितः, ठीक है, अस्माभिः गुरु पूजितः, तो हमारा कर्मवाच्य बन गया। भूतकालीन क्रियाओं के हिसाब से यहाँ पर हमने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों के जो है उदाहरण को देखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है वो वाच्य परिवर्तन का जो प्रकरण था वो संपूर्ण होता है, अगली कक्षाओं में हम और भी जो है कारक आदि जो प्रकरण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।